हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको लीज़ अकाउंटिंग का टॉपिक करवाऊंगी। तो लीज़ अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उन लोगों की बुक्स के अंदर जो भी पार्टीज़ हैं, एंड देन किस किस तरह का लीज़ अकाउंटिंग हो सकता है, लीज़ किस किस तरह की हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये सब डिस्कस आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लीज़ बेसिकली होता क्या है, लीज़ का मतलब क्या है। देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें बड़े बड़े एसेट की रिक्वायरमेंट है, प्लांट की ज़रूरत है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, तो कई बार हमारे पास इतना मनी अवेलेबल नहीं होता है कि हम उनको कैश परचेज उनको कर पाएँ, क्योंकि ये जो कैपिटल एसेट होती है इनके अंदर मनी इन्वेस्ट करना, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती हैं। और जो ये पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो वो रिवर्सेबल भी नहीं होता, कि अगर आज हमने किसी प्लांट को ख़रीद लिया है और अगर हमें लगता है कि डिसीज़न हमारा गलत था तो आप उसको अगले दिन सेल नहीं कर सकते हो सेम प्राइस पर जिसने आपने उसको ख़रीदा होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एसेट को कैश परचेज करने की बजाय हम उनको लीज़ पर ले सकते हैं। लीज़ का मतलब हम उनको रेंट पर ले सकते हैं। तो कुछ सालों के लिए एसेट को लीज़ पर ले लिया जाता है और लीज़ पर लेने के बाद क्या होगा, उस एसेट को यूज़ करने का जो राइट है वो हम एक्वायर कर लेते हैं, उसका पोजेशन हमारे पास आ जाता है। लेकिन इसके अंदर ओनरशिप नहीं आती है, कि ओनरशिप की ट्रांसफ़र नहीं होती है, सिर्फ एसेट को जो यूज़ करने का राइट है, जो पोजेशन होती है, तो वो जो होती है वो उस पर्सन के पास चली जाती है जो एसेट को लीज़ पर लेता है। लेकिन अल्टीमेटली जो ओनरशिप होती है वो लेसर की होती है, लेसर के हाथों में रहती है। तो लीज़ अकाउंटिंग बेसिकली क्या है कि लीज़ से रिलेटेड जो भी एसेट हमने ली हैं या एसेट को दिया गया है किसी को, तो उन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना ही लीज़ अकाउंटिंग होता है। तो लीज़ अकाउंटिंग को समझने के लिए लीज़ को समझना ज़रूरी है कि लीज़ बेसिकली है क्या। तो लीज़ को हम लीज़ क्या कह सकते हैं, लीज़ को डिफ़ाइन किया जा सकता है, अ कंट्रैक्ट ऑफ लीज़ इज़ ए कंट्रैक्ट वेयर बाय द ओनर ऑफ एन एसेट grants to another party the exclusive right to use the asset, usually for an agreed period of time in return for the payment of rent. तो क्या हो सकता है कि इसके अंदर जो किसी asset का owner होगा, basically उस owner को हम lesser बोलते हैं। तो lease contract के अंदर दो parties होती हैं, एक तो lesser होता है और दूसरा lessee होता है। जिसने अपनी asset किसी को दी है, लीज़ पर दी है, वो ओनर था तो उसको लेसर बोला जाता है, और अनदर पार्टी जिसको वो राइट दिया गया है, एक्सक्लूसिवली वो राइट दे दिया गया है उस एसेट को यूज़ करने का, तो उस पर्सन को, उस पार्टी को लेसी बोला जाता है। और ये जो राइट दिया जाता है वो एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, कि टाइम जो है वो पहले से डिसाइडेड होता है, 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, 20 ईयर के लिए, कितने सालों के लिए वो एसेट लीज़ पर दी जा रही है, तो वो टाइम ड्यूरेशन प्री डिसाइडेड होती है। और इसके बदले में इन रिटर्न फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट, इसके बदले में क्या होता है, जो लेसी है वो कुछ कंसिड्रेशन एसेट को यूज़ करने के लिए पे करता है लेसर को, और इस कंसिड्रेशन को रेंट बोला जाता है, कि रेंट पर, एक तरह से हम एसेट को रेंट पर ले रहे हैं तो वह कंसिड्रेशन रेंट के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से लीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, वो जो दो पार्टीज़ हैं लेसर एंड लेसी होते हैं। तो लेसर अपनी एसेट को यूज़ करने का राइट लेसी को ट्रांसफ़र कर देता है, लेसी उस एसेट को यूज़ कर सकता है, लेकिन जो ओनरशिप होती है वो लेसर की ही रहती है। और लेसी क्या करता है, उस एसेट को यूज़ करने के लिए उसके कंसिड्रेशन के बदले में रेंट पे करता है। तो ये लीज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो बेसिकली जो लीज़ अकाउंटिंग की जाती है उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एप्लीकेबल होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ऑलमोस्ट हर तरह के लीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कुछ एक ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ एक ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है वो एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे फर्स्ट है, लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर और यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ करने के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ है, जैसे ऑयल, गैस, टिम्बर है, या कोई और मिनरल राइट हो सकते हैं, तो वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एप्लीकेबल नहीं होता है।
इसके अलावा कुछ आइटम का एग्रीमेंट है, कुछ आइटम से रिलेटेड एग्रीमेंट है, जैसे मोशन पिक्चर हो सकती हैं, फिल्म्स वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती हैं, प्लेस मैनुस्क्रिप्ट हो सकते हैं, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, तो इनके बेस इनके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर कुछ ऐसा है कि जो लैंड से रिलेटेड जो एग्रीमेंट होते हैं, लैंड को यूज़ करने से रिलेटेड जो एग्रीमेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी जो लीज़ का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं लीज़ कॉन्ट्रैक्ट और इसकी पार्टीज़ की। तो लीज़ में क्या होगा, ये एक तरह का कैपिटल एसेट को इसके अंदर फाइनेंस किया जाता है। और इसमें क्या होगा कि यूज़ करने का जो राइट है वो लेसर लेसी को दे देता है। वैसे तो लीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज़ हो सकती हैं, लेकिन इसमें तीन भी हो सकती हैं। तीन में क्या होगा, फर्स्ट पार्टी इस मैन्युफैक्चरर या सप्लायर होगा जो लेसर को एसेट को सप्लाई करेगा। लेसर वो पर्सन है जिसने उसको ख़रीदा है, ही इज़ द ओनर ऑफ द एसेट। तो वो क्या करता है, वो लेसी को अपनी एसेट को यूज़ करने का राइट ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो लेसर होता है। और जिसको एसेट को यूज़ करने का राइट दिया जाता है तो वो लेसी होगा। तो यहाँ इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है, लाइक सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है जिससे लीज प्रॉपर्टी को परचेज किया है, और परचेज किसने किया है, लेसर ने किया है। तो यहाँ पर एसेट जो है वो लेसर के पास आ रही है, और इसके बदले में परचेज कंसिड्रेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर को पे किया जा रहा है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं। ऐसे ही जब लेसर थर्ड पार्टी को किसी और पर्सन को एसेट को यूज़ करने का राइट दे देता है, राइट टू यूज़ द एसेट, और इसके बदले में रेंट पे किया जाता है, यहाँ पर परचेज कंसिड्रेशन था तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था। यहाँ पर एसेट को यूज़ करने का राइट दिया जा रहा है, हु गेट्स द राइट टू यूज़ द एसेट, नॉट ओनरशिप, ओनरशिप नहीं होती है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज बोलते हैं। दैट मीन्स मेन जो तीन पार्टीज होती हैं, सबसे पहला मैन्युफैक्चरर या सप्लायर होगा, देन इसके बाद लेसर आता है, और उसके बाद लेसी आता है। तो ये तीन बेसिक पार्टीज होती हैं लीज कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम बात करेंगे कि लीज और हायर परचेज के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। लीज और हायर परचेज का बेसिक डिफरेंस क्या है, हायर परचेज में क्या होता है कि हम किसी एसेट को जब ख़रीदते हैं तो हम उसकी पेमेंट लमसम ना करके उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करते हैं। इंस्टॉलमेंट मंथली हो सकती हैं, हाफ ईयरली हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, ईयरली हो सकती हैं। जब एक लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया जाता है तो उसके बाद जो ओनरशिप होती है वो हायर परचेजर के पास चली जाती है, ऑटोमेटिकली हायर परचेजर के पास ओनरशिप चली जाती है। तो बेसिक जो डिफरेंसेस हैं लीज और हायर परचेज के बीच में वो क्या है, सबसे पहले तो पार्टीज़ हैं। अगर हम लीज़ के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसके अंदर दो पार्टीज़ होती हैं, लेसर एंड लेसी। लेसर जो होता है एसेट को रेंट पर देता है लेसी को। बट अगर हम हायर परचेज की बात करें तो हायर परचेज के अंदर दो ही पार्टीज़ होती हैं, सबसे पहला हायर परचेजर होता है और दूसरा होता है हायर सेलर या हायर वेंडर हम इसको बोलते हैं। सेकेंड डिफरेंस का बेस है ओनरशिप। लीज एग्रीमेंट के अंदर जो ओनरशिप है एसेट की वो लेसी को ट्रांसफ़र नहीं होती है, लेकिन अगर हम हायर परचेज की बात करें तो उसके अंदर एसेट की जो ओनरशिप होती है वो बायर को ट्रांसफ़र हो जाती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट को वो पे कर देता है। डेप्रिसिएशन लीज में क्या होता है, बिकॉज लेसी इज़ नॉट द रियल ओनर, इसीलिए वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उसको नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम हायर परचेज की बात करें तो उसके अंदर बायर जो होगा उसको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। सेल्वेज वैल्यू, लेसर के पास लेसर क्या कर सकता है, सेल्वेज वैल्यू के लिए उसको वो क्लेम कर सकता है, लेकिन हायर परचेज में जो एब्सोल्यूट राइट होता है सेल्वेज वैल्यू का वो किसके पास होता है, ओनर के पास होता है, उस टाइम पर जो भी ओनर होगा, ठीक है, उसके पास पूरा राइट होता है। क्योंकि अगर उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया है तो सेल्वेज वैल्यू के ऊपर हायर परचेजर का राइट होगा। टैक्स, रेंट पेड जो लीज एसेट के ऊपर होता है तो उसको लेसर के इनकम में से डिडक्ट करने का उसके पास राइट है जब टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट किया जाता है। लेकिन अगर हम हायर परचेज की बात करें तो बायर क्या कर सकता है, बायर इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। तो बायर के पास राइट होता है कि उसको ये राइट मिलता है कि जो भी वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है तो वो टैक्स लायबिलिटी से रिड्यूस हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ लीज की। लीज कितनी तरह की हो सकती हैं,
लीज में एक पर्सन को एक तरह से राइट मिल जाता है कि वो एसेट को परचेज कर सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो यहाँ पर जो दो बेसिस हो सकते हैं, तो वो पहला जो बेस है, पहली जो कैटेगरी है, दैट इज़ फिनेंशियल लीज, फिनांस लीज होता है, और सेकेंड जो लीज है दैट इज़ ऑपरेटिंग लीज। फिनांस लीज का मतलब क्या है? देखो, फिनांस लीज ऑलमोस्ट ये हायर परचेज सिस्टम की तरह ही होता है। जैसे हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि हायर परचेज सिस्टम के अंदर जब एक एसेट को हम हायर परचेज पर दे देते हैं, हायर परचेज पर हम खरीद लेते हैं, तो जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ओनरशिप होती है वो हायर परचेजर के हाथों में चली जाती हैं। ऐसा ही सेम फिनांस लीज के केस में भी होता है कि एक कंडीशन ऐसी है जिसमें क्या होगा कि एसेट को यूज़ करने का राइट तो दिया जाता है, लेकिन जब लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया जाता है, लास्ट रेंट को पे कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो लेसी है उसको ऑप्शन दी जाती हैं कि अगर वो चाहें तो उस एसेट को खरीद सकता है। तो ऑप्शनल होता है कि उस एसेट को खरीद सकता है। तो जो फिनांस लीज होता है बेसिकली इसके अंदर उस तरह की एसेट के केस में एप्लीकेबल होता है जो स्पेशलाइज्ड नेचर की होती हैं। फिनांस लीज के अंदर जो मेन इसकी एक हम फीचर कह सकते हैं कि जिसमें अगर लीज के अंदर क्या होगा कि अगर सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड सब्सटैंशली ट्रांसफ़र हो जाते हैं लेसी के पास, तो उस कंडीशन को हम फिनांस लीज बोलते हैं। वो फिनांस लीज की टाइप है। ऑलमोस्ट जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है तो वो सारे के सारे किसको ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेसी को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट को हम लीज का जो फिनांस हम लीज कह सकते हैं कि रिवॉर्ड एंड रिस्क का मतलब क्या है कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो जो भी प्रॉफिट होगा तो वो लेसी का होगा, और अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो जो भी रिस्क होगा तो वो लेसी का होगा। तो जब सब्सटैंशली रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर टू लेसी, देन इट्स अ फिनांस लीज, तो हम इसको फिनांस लीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि टाइटल मे और मे नॉट इवेंचुअली बी ट्रांसफर्ड, कि जो टाइटल है वो ट्रांसफ़र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस लीज को हम कैपिटल लीज भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली पांच कंडीशंस होती हैं। पांच कंडीशंस के बेस पर हम फिनांस लीज को सेकेंड टाइप की जो लीज़ है ऑपरेटिंग लीज से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? फिनांस लीज के अंदर पांच कंडीशंस हैं। अगर पांच कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाती हैं तो उस तरह की लीज़ को हम फिनांस लीज बोलते हैं। तो अब हम समझेंगे कि वो पांच कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला जो है, लेसर ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द एसेट टू लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब लीज टर्म का एंड होता है, लीज टर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, जितने टाइम के लिए एसेट को लीज पर लिया गया है, 5 साल 10 साल 15 साल, तो उस लीज टर्म के ख़त्म होने पर जब एसेट की ओनरशिप लेसी के पास चली जाती है, ओनरशिप यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, अगर ओनरशिप लेसी के पास चली जाती है तो इस तरह के लीज को हम जो है वो फिनांस लीज बोलते हैं। सेकेंड आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज एक्सीड और इक्वल सब्सटैंशली द होल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मिनिमम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है। तो मिनिमम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी एसेट को लीज़ पर लेते हैं तो उसके लिए आपको रेंटल पे करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है। तो मिनिमम लीज़ पेमेंट का मतलब क्या है कि जैसे जो लीज़ पेमेंट हम कर रहे हैं, जो लीज़ रेंट पे किया जा रहा है, प्लस इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं मिनिमम गारंटी, जो ये मिनिमम गारंटी वैल्यू है, और ये जो वैल्यू कंप्यूट की गई है बाय लेसी, लेसी ने जो अमाउंट कंप्यूट की है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ जाती हैं। तो लीज रेंट का मतलब कि जो भी इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है तो वो लीज रेंट है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर हम ले सकते हैं, लाइक 10% है, 14% है, कि जैसे जो पेमेंट आप फ्यूचर में करने वाले हैं तो उसकी आज की डेट की वैल्यू कंप्यूट की जाती है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू को हमें कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर जो लीज रेंट है, लाइक अगर हमने 10 साल के लिए किसी एसेट को लीज पर लिया है और 10 ईयर के बाद अगर लेसर हमें ही एसेट को सेल
कर देता है तो आपको उस टाइम पर मिनिमम गारंटेड अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। लाइक अगर हमने 10 साल पहले किसी एसेट को 2 लाख में लिया था तो 2 लाख के अकॉर्डिंगली उसके इंस्टॉलमेंट को सेट किया जाता है, रेंट को सेट किया जाता है। और 10 सालों के बाद अगर उस एसेट को हमें ही दे दिया जाएगा, हमें ही परचेज करना होगा, तो आप 10 साल के बाद उस 2 लाख के बदले में कितना पे करोगे। लाइक अगर आप 10,000 पे कर रहे हैं तो वो मिनिमम गारंटेड अमाउंट होती है, मिनिमम गारंटी वैल्यू होती है, जिसका वैल्यूएशन लेसी के थ्रू किया गया है। तो इन दोनों का जो टोटल होता है दैट इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। तो हम क्या करते हैं कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक जो लीज़ है, वो कब फिनेंशियल लीज होती है कि अगर जो प्रेजेंट वैल्यू है मिनिमम लीज पेमेंट की, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो या तो क्या है, या तो वो फेयर वैल्यू लीज एसेट की फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाती है या फिर उससे ज़्यादा होती है, थोड़ी सी एक्सीडिंग होती है। तो उस केस में इस तरह के लीज कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ फिनांस लीज। तो वो फिनांस लीज की नेचर का होता है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, फेयर वैल्यू का मतलब कि अगर आज आप उस एसेट को कैश में परचेज करना चाहते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज़ फेयर वैल्यू। तो आप फेयर वैल्यू का कंपैरिजन किससे करेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, मिनिमम लीज पेमेंट के साथ हम उसका कंपैरिजन करते हैं, जो उसकी लीज पेमेंट है, तो जो उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे और जो भी होगा उसमें ऐड कर दिया जाता है मिनिमम गारंटेड वैल्यू, ठीक है, और लेस लीज रेंट को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाती हैं ये। फिर आप करते क्या हैं, इनका जो कंपैरिजन है वो फेयर वैल्यू के साथ करते हैं। अगर वो ऑलमोस्ट इक्वल है या मिनिमम जो लीज़ पेमेंट है वो उससे ज़्यादा है तो उस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो लीज़ होगा, वो फिनांस नेचर का होता है, फिनांस लीज होता है। थर्ड जो होती है, लेसी हैज़ द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट ए प्राइस। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो उसके पास क्या ऑप्शन होती है कि जो प्राइस, किस प्राइस पर खरीदने की ऑप्शन होती है लोअर देन द फेयर वैल्यू ऑफ दैट डेट, द ऑप्शन बिकम एक्सरसाइजेबल। जिस दिन वो ऑप्शन एक्सरसाइजेबल हो जाती हैं तो उस दिन वो एसेट कितने में सेल हो सकती हैं, तो उससे कम पर ही उसको परचेज करने की ऑप्शन दी जाती हैं। लाइक अगर 10 साल के बाद उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 30,000 है, लेकिन उसको ऑप्शन दी जाती है कि उसको 20,000 में परचेज कर सकता है, तो ये भी किस नेचर का होगा। इस तरह के लीज को भी हम फिनांस लीज बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लीज टर्म कवर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इवन इफ द टाइटल इज नॉट येट ट्रांसफर्ड। कि क्या है कि अगर किसी एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 10 ईयर है और हमने उसको लीज पर लिया है 9 ईयर के लिए, अगर 9 ईयर के लिए हमने लीज पर ले लिया तो लास्ट का 1 साल ही बचा इकोनॉमिक लाइफ का, तो उसके बाद तो वो काम करना बंद ही कर देगी। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि टोटल जो इकोनॉमिक लाइफ था, जो सब्सटैंशियल उसका पार्ट था, जो ऑलमोस्ट सारा का सारा पार्ट था, वो हमने यूज़ कर लिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर सब्सटैंशियल जो इकोनॉमिक लाइफ है वो लेसी के थ्रू उस एसेट के यूज़ हो जाती हैं तो उस तरह के लीज़ को भी क्या बोला जाएगा, उस तरह के लीज़ को भी फिनांस लीज़ बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन की। तो फिफ्थ कंडीशन में क्या है, फिफ्थ कंडीशन में है कि अगर लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो जो एसेट सेल की जाती है तो वो एक स्पेशलाइज नेचर की होती है। स्पेशलाइज नेचर का मतलब क्या है कि जब लीज टर्म हमारी कंप्लीट हो जाती हैं और अगर उस एसेट को हम वापस लेना चाहते भी हैं, लेसी से अगर हम वापस लेना चाहते भी हैं और अपने लिए अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर बहुत मेजर रिपेयर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर लेसी उसको यूज़ करेगा तो उसको किसी भी तरह की मेजर रिपेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरह के लीज को हम फिनांस लीज बोलते हैं। तो फिनांस लीज में क्या होगा कि कुछ भी अगर हमने एसेट को लिया है तो मैक्सिमम एक तो उसका इकोनॉमिक जो लाइफ था वो हमने यूटिलाइज कर लिया है और वो स्पेशलाइज नेचर की है। अगर लीज टर्म के ख़त्म होने के बाद हम उस एसेट को वापस देना चाहते हैं और वो पर्सन उस एसेट को अगर यूज़ भी करेगा तो वहाँ पर उसको मेजर रिपेयर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मेजर रिपेयर के बिना उस एसेट का यूज़ नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लीज का फिनांस कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड आता है, ऑपरेटिंग लीज। अगर ऊपर की 5 कंडीशंस ही फुलफ़िल नहीं होती है, अगर 5 की 5 कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो उस कंडीशन में जो लीज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब इकोनॉमिक लाइफ का यूज़ नहीं हुआ है,
और एसेट को लीज टर्म के कंप्लीट होने के बाद ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, फेयर वैल्यू से कम पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, उसको नहीं दिया जाता है, और मेजर रिपेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर पांचों में से पांचों की पांचों कंडीशन पूरी नहीं होती है तो उस लीज़ को हम ऑपरेटिंग लीज़ बोलते हैं। तो इसको कैंसिलेबल लीज़ भी बोलते हैं। इस तरह की लीज़ को कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन जो फिनांस लीज़ होती है वो एक कैपिटल लीज़ होती है और इसका कैंसिलेशन करना पॉसिबल नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि लेसर और लेसी की बुक्स में फिनांस लीज के केस में किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, अकाउंट्स और बुक्स जो हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रिपेयर की जाती हैं, तो किस तरह की जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं लेसर और लेसी की बुक्स में। ये लेसी की बुक्स के अंदर जो जनरल एंट्री पास की जाती हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 को फॉलो किया जाता है। लीज एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले तो जैसे हायर परचेज सिस्टम के अंदर होता है कि जब आप किसी से एसेट खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो ऐसे इसी में भी होगा कि जब लेसी एसेट को परचेज करेगा तो वह एंट्री पास करेगा लीज्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। लेसर से एसेट को खरीदा है तो लीज्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। यहाँ पर एक फिनांशियल लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। फिनांशियल लाइबिलिटी के अराइज होने से क्या होगा, फिनांशियल लाइबिलिटी अराइज होती है क्योंकि लेसी को इसके लिए पेमेंट करनी है। तो फिनांशियल लाइबिलिटी की कैलकुलेशन किस पर करते हैं, किस अमाउंट के ऊपर उस एसेट को शो किया जाएगा। तो यहाँ पर दो अमाउंट को कंपेयर किया जाता है। एक तो क्या है, मिनिमम जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम जो लीज पेमेंट है इसका कंपेरिजन फेयर वैल्यू के साथ होता है। तो दोनों में से विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा, फेयर वैल्यू और मिनिमम जो हमारा लीज पेमेंट है, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, दोनों में से जो भी कम होगा, जो भी दोनों में से लोअर होगा, तो उस पर जो है हम वैल्यूएशन करते हैं। और जो लीज पेमेंट है प्लस मिनिमम गारंटेड वैल्यू बाय लेसी ऑन हिज बिहाफ या उसके बिहाफ पर, कोई और पर्सन जो है वो उस अमाउंट को कंप्यूट करता है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आती है। इसका कंपेरिजन फेयर वैल्यू के साथ किया जाता है और दोनों में से जो भी कम होगा तो उसके ऊपर जो है वो एसेट को हम बुक्स में दिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेंडिंग मनी ऑफ इनिशियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन एक्वायरिंग द एसेट। एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी टोटल खर्चा किया गया है, स्टार्टिंग का जो खर्चा किया गया है, तो उसके लिए एंट्री पास की जाती हैं लीज्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एसेट को एक्वायर करने के लिए जो इनिशियली एसेट को एक्वायर किया गया है उसके लिए जो अमाउंट पे की जा रही है दैट इज लीज्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद फिनांस चार्ज या इंटरेस्ट चार्जेस का हम इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो फिनांस चार्ज या इंटरेस्ट चार्जेस को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज या फिनांस चार्ज का मतलब क्या है। जैसे हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि अगर एसेट की वैल्यू अगर हम कैश पर खरीदेंगे तो हमें 10 लाख पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसको हायर परचेज पर खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट के अमाउंट को ऐड करके टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो जितना भी हम टोटल पे कर रहे हैं तो वो हायर परचेज प्राइस होता है। तो हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट। और सेम इसमें भी ऐसा ही है कि हम कितना हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं, कितना हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं उसका कंपैरिजन हम करते हैं विद द जो हमारी एक्चुअल अमाउंट जो हमने पे की है और हमारी फिनांशियल लायबिलिटी कितनी है, उन दोनों का हम डिफरेंस कंप्यूट करते हैं। एक्चुअल अमाउंट जो हमने कंप्यूट की है, जो हमने पे करी है, और इसमें से डिडक्ट कर देते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी को, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट या फिनांशियल चार्जेस। तो उसको पहले हम ड्यू करते हैं, तो ड्यू करने की हम एंट्री करेंगे फिनांस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। ठीक है, लेसर से हमने इसको ड्यू किया है। इसके बाद पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट को पे किया जाता है, जो भी रेंट वगैरह है उसको पे किया जाएगा, तो उस इंस्टॉलमेंट को पे करने की एंट्री हम करेंगे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन लीज एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है, तो उसके लिए एंट्री पास की जाती हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लीज एसेट अकाउंट। नेक्स्ट जो है लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फिनांस चार्जेस थे, जो भी डेप्रिसिएशन था, उसको हम स्टेटमेंट टू पीएनएल से राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसके लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है दैट इज स्टेटमेंट टू पीएनएल डेबिट टू फिनांस चार्जेस एंड डेप्रिसिएशन। तो ये राइट ऑफ करने की एंट्री है, पास करनी है इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर जिसने एसेट को ट्रांसफर किया है,
तो ये अपनी बुक्स के अंदर किस तरह से एसेट को शो करेगा? सबसे पहले तो ये एसेट के ट्रांसफ़र करने की एंट्री पास करेगा, जो भी लीज फिनांस की गई है, जो भी लीज एसेट है उसको फिनांस करने की एंट्री पास करेगा, जितनी अमाउंट रिसीवेबल है। तो उसकी एंट्री जो होगी, लेसी अकाउंट डेबिट टू लीज सेल अकाउंट, और यहाँ पर जो एंट्री पास की जाएगी विथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, लीज पेमेंट के प्रेजेंट वैल्यू से करते हैं। यहाँ जो प्रेजेंट वैल्यू होगी तो वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट की होती है। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हम क्या क्या लेते हैं? जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी इक्वल टू, जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है ये इक्वल होगी, सबसे पहले तो हम कंप्यूट करेंगे जो लीज रेंट है, इसमें ऐड कर देंगे ग्रोस रेंटल वैल्यू ऑफ लेसर, लेसर की जो ग्रोस रेंटल वैल्यू है, और प्लस ग्रोस जो गारंटेड रेंटल वैल्यू है लेसर की, जो लेसर ने कंप्यूट की है, प्लस गारंटेड रेंटल वैल्यू जो लेसी ने कैलकुलेट की है, लेसी के बिहाफ पर और लेसर के बिहाफ पर जो भी गारंटेड वैल्यू को कंप्यूट किया गया है, गारंटेड प्लस जो नॉट गारंटेड वैल्यू है, तो इन दोनों को के पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाती हैं। सबसे पहले तो जितना लीज रेंट मिलेगा वो आएगा, और जितने पार्ट के लिए गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू दी गई है, रेजिडुअल वैल्यू अगर जिसकी गारंटी आई है हमारे पास, लेसर ने जो गारंटी है, लेसर के पार्ट पर जो गारंटी है उसको हम ऐड करते हैं, और प्लस जो लेसी के पार्ट पर गारंटी है तो उसको हम ऐड करते हैं, और वहाँ से हमारे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाती हैं। तो एंट्री, इसके लिए जो एंट्री हम पास करेंगे, लेसी अकाउंट डेबिट टू लीज सेल अकाउंट, फिर लीज एक्सपेंसेस जो इनिशियल है, जो लेसर ने बियर करे हैं, लेसर ने करे हैं, तो उसकी एंट्री हम करेंगे लीज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिनांस चार्जेस, इसके लिए इनकम होती है तो इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेसी के अकाउंट से ड्यू किया जाएगा, तो लेसी अकाउंट डेबिट टू फिनांस चार्जेस अकाउंट। और फिर जो लीज की पेमेंट है, पीरियोडिक पेमेंट जो रिसीव हो जाएगी, तो उसके लिए एंट्री पास की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो एंट्री पास करेंगे, फिनांस चार्जेस को स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ किया जाएगा, तो इसकी एंट्री पास की जाएगी फिनांस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसके बाद लीज एक्सपेंसेस को स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे, तो जनरल एंट्री पास करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लीज एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेसर एंड लेसी दोनों की बुक्स में। तो लीज क्या होता है, कौन कौन सी पार्टी लीज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, किस किस तरह के लीज कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इसको समझा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।